अवगुण किए तो बोध किए, करत न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूं बोरे पिता को लाज। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी, जाखें चोवा जाऊं, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सुखाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़, जैसे कागज हाज का सोजत और न ठोड़। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। और अपने द्वारा रचे हुए सर्व ब्रह्मांडों की जानकारी स्वयं ही आकर देते हैं। परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, और जब भी वे आते हैं अपनी अमृत वाणी कबीर वाणी के द्वारा जिस भी युग में परमेश्वर आते हैं अपनी अमृत वाणी में लोकोक्तियों, कविताओं, दोहों, शब्द आदि के माध्यम से यथार्थ ज्ञान वर्णन करते हैं। उसी परंपरागत उसी सिलसिले में अपने नियमानुसार परमात्मा कलयुग के अंदर आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को एक कमल के फूल पर आकर के शिशु रूप धारण किया था और फिर वो बड़े हुए, लीला करते हुए उन्होंने फिर अपनी अमृतवाणी उस तत्व ज्ञान से परिपूर्ण उच्चारण की। अपने साक्षी बनाने के लिए कि मैं परमात्मा हूं, कबीर परमेश्वर ने, मैं ही सारे ब्रह्मांडों का रचनहार हूं, इसलिए कुछ पुण्यात्माओं को अपने स्वधाम को दिखाया। फिर उन पुण्यात्माओं ने अपनी आंखों देखा जो परमात्मा की महिमा, परमात्मा की कालोक और प्रभु की शक्ति। उन्होंने भी अपनी
अमृतवाणी में वर्णन किया। परमात्मा ने किन किन को साक्षी बनाया? नंबर एक धर्मदास साहिब जी, जो बांधवगढ़ के रहने वाले बहुत बड़े साहूकार थे, सेठ थे, रईस थे। एक मलुकदास जी, और संत दादू साहिब जी, संत घीसा साहिब जी, संत नानक साहिब जी, संत गरीबदास साहिब जी। इन महापुरुषों को अपने निज स्थान को दिखाया, फिर उन्होंने भी अपने भगवान कबीर परमात्मा की महिमा और सर्व ब्रह्मांडों की रचना अपनी अमृतवाणी में साक्षी रूप में बोली, उच्चारण की। उन महापुरुषों की वाणी, अमृतवाणी भी लिपिबद्ध की गई जो आज हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने प्रमाणित किया है कि वो कबीर परमात्मा है, जो काशी में जुलाहा रूप धारण करके, धानक रूप, धानक की भूमिका करके एक लीला की थी, वही पूर्ण प्रभु है।